पता है भाभी जी, एक आतंकवादी राजकुमार की वजह से 78 लोगों की जाने चली गई। इतना बड़ा नरसंहार सिर्फ एक आदमी के लिए? तुझे नहीं छोड़ूंगी, 78 जानू क्यों, सब तो देना होगा तुझे। 78 जानू की कीमत मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। इससे पहले कि कोई अनर्थ हो जाए, पूजा पाठ करा लीजिए, कहीं सूरज भाई साहब की लंबी उम्र को नजर ना लग जाए। पता है तूने जब बयान दिया था तो मैंने क्या लगा था, ऐसा लगा कि तारा अपना कोई उस हवाई जहाज में है। राजकुमार, संध्या, कर रही हो तुम? What? तुम यहाँ क्या कर रहे हो जाकिर? राजकुमार कहाँ है? संध्या, अभी तक जो कुछ हुआ है उसकी रिपोर्ट्स देखने आया था मैं, ताकि मैं तुम्हारी मदद करूं। राजकुमार कहाँ है जाकिर? तुम्हें नहीं पता? संध्या, राजकुमार को हमने ऊपर वाले सेल में शिफ्ट किया है जहां ज्यादा सिक्योरिटी है, और तुम यहां पर क्या कर रही हो इस तरह से? तुम बहुत बेबस महसूस कर रही हूं अपने आप, समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, कैसे कैसे सब कुछ ठीक कर दूं। संध्या, एक जिम्मेदार ऑफिसर होने के नाते तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? वो कर सकता है और मैं सोच भी नहीं सकती जाकिर। क्यों? उस सलवान को जिंदा रहने का कोई हक नहीं है, उसकी वजह से आज मेरा पति मेरा परिवार मुझसे दूर हो गया है, उसकी वजह से तुम मरते मरते बचे हो, उसकी वजह से इस देश को हिला देने वाला ये हाईजैक हुआ है। नहीं, उसे जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। अगर हायर अथॉरिटीज ने मेरी बात मान ली होती तो आज उसकी फांसी 2 दिन पहले ही हो गई होती, ये तूफान नहीं आया होता। नहीं, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। संध्या, क्या कर रही हो? शांत हो जाओ और सबसे पहले गन अंदर रखो। संध्या, अंदर रखो। क्या कर रही हो तुम? संध्या, चाहे जितनी भी मुश्किल आ जाए, एक जिम्मेदार पुलिस ऑफिसर को कभी भी अपनी भावनाओं को जीतने और कानून को हारने का मौका नहीं देना चाहिए।
कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेंगे। संध्या, मैं संध्या प्लीज उम्मीद मत छोड़ो। अभी तक 23-10 के क्रैश होने की ऐसी कोई पुख्ता रिपोर्ट नहीं मिली है, ना ही प्लेन के अवशेष मिले हैं। लेकिन जाकर सैटेलाइट सर से कोई प्लेन मिला भी तो नहीं है। सही कह रही हो। और संध्या ना, मुझे लगता है कि जितनी जरूरत हमें उन 78 लोगों की है ना, उससे कहीं ज्यादा उन्हें राजकुमार की है। वो लोग ऐसी कोई हरकत नहीं करेंगे जिससे कि राजकुमार उनसे छिन जाए। क्या पता किसी तकनीकी खराबी की वजह से हम 23-10 से संपर्क नहीं कर पा रहे, या बस हमें डराने के लिए ये सब किया जा रहा है। संध्या, मैं बस इतना कह रहा हूँ कि बुरा मत सोचो प्लीज। तुम्हें इस वक्त अपनी हिम्मत बनानी है, अपने परिवार की हिम्मत बढ़ानी है। तुम टूट गई ना, तुम्हारा परिवार टूट जाएगा। तुम्हारा घर आ चुका है। संध्या, घर जाओ, अपने परिवार की हिम्मत बढ़ाओ। कहो कि कुछ अभी तक बिगड़ा नहीं है। संध्या, मैं समझता हूं कि ये समय मुश्किल है हम सबके लिए, पर मैं ये भी जानता हूं कि तुम में सब कुछ संभालने की काबिलियत भी है। और इस एग्जाम से पास होके निकलना। प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। बोले याद करते तुम लोग मेरे को, बोला हिचकी मार मार के गले का कौवा बैठ गया। बहुत मिस करते ना तुम लोग, रिवर्स गियर डाल के वापस इधर ही आ गया मैं। ए गेंदा गुलाब, ये मैयत के फूल कितने के पड़ेंगे? अभी फटाफट तुम लोग भी जुड़ने का, फूल धमाल होने वाला है। उड़ने की आशा कल से रात 9 बजे स्टार प्लस और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर।